लियोनल मेसी के सामने होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये होगी फुटबॉल की असली जंग। इस दिन आमने सामने होंगे दो गोट। फुटबॉल की दीवानों के लिए अच्छी खबर है, रोनाल्डो और मेसी एक बार फिर से मैदान में आमने सामने होंगे। दरअसल पिछले दिनों पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अल नासर एफसी क्लब ने करार दिया। दरअसल अल नासर एफसी सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। अल नासर एफसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ 200 मिलियन यूरो यानी कि 1775 करोड़ रुपए में करार किया है। इस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अल नासर एफसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ये करार साल 2025 तक के लिए किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिलहाल सऊदी अरब में रह रहे हैं। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जल्दी अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी के खिलाफ मैदान पर खेलते दिख सकते हैं। हालांकि ये एक फ्रेंडली मैच होगा। इस मैच में अल नासर एफसी की टीम पेरिस सेंट जर्मन के खिलाफ खेलेगी। दरअसल लियोनल मेसी इस फ्रेंडली मैच में पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते दिखेंगे। अल नासर एफसी की टीम और पेरिस सेंट जर्मन के बीच ये फ्रेंडली मैच इसी महीने खेला जाएगा। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य सत्र के दौरे के हिस्से के रूप में पीएसजी 19 जनवरी को अल हिलाल और अल नासर के खिलाड़ियों से बनी सऊदी ऑल स्टार 11 का सामना करेगी। पीएसजी टीम 19 जनवरी को अल नासर और अल हिलाल के मिश्रित 11 के साथ फ्रेंडली मैच खेल सकती है। फैंस के लिए ये दिन यादगार बन सकता है। दोनों ग्रेट को फुटबॉल के चाहने वाले खेलते देखना चाहते हैं। सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ जुड़ने के बाद रोनाल्डो ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। वह इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार मेसी बनाम रोनाल्डो। तो एक यूजर लिखते हैं, क्रिस्टियानो उन्हें हरा सकता है। तो एक यूजर ने लिखा, उन्होंने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है। जबकि कुछ फैंस अभी भी इस बात पर बहस कर रहे होंगे कि कौन सबसे अच्छा है। तो बाबू भक्ता नाम के यूजर लिखते हैं, इस साल का सबसे अच्छा पल। तो एक यूजर ने लिखा, मेसी अपने आदर्श से मिलेंगे। तो वही प्रसन्न जान नाम के एक यूजर ने लिखा, एक आखिरी बार इन दोनों के बीच। तो वही एक यूजर लिखते हैं, मैच कब है। गौरतलब है कि पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मैदान पर दिखे थे। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पुर्तगाल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। पुर्तगाल को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल स्टेज में हार का सामना करना पड़ा था। मैं लियोनल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने खिताब अपने नाम किया। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप जीता। हालांकि अर्जेंटीना ने फाइनल मैच में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। रोनाल्डो और मेसी को एक साथ मैदान पर खेलता देखने की इस खबर को आप कैसा देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचा